अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे अपने लैपटॉप, पीसी या कंप्यूटर पर फ्री में वीपीएन कैसे यूज करें। वही एक अच्छा सा वीपीएन जो ब्राउजर के साथ आता है, गूगल क्रोम में वीपीएन कैसे यूज करें। तो चलिए, सबसे पहले आप इसके लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। विदाउट एनी सॉफ्टवेयर आप वीपीएन को यूज कर सकते हैं फ्री में। तो आप अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहां सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए क्रोम वेब स्टोर। वेब स्टोर हिट कीजिए इंटर। इसमें से सेकंड वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। और यहां सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए ब्राउज सेक। आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा, आपको टाइप करना है ब्राउज सेक। और ये जो फर्स्ट वाला जो आपको आइकन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ ऐड टू क्रोम पर क्लिक करके हम इसे क्रोम में, अब ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करके अपने क्रोम ब्राउजर में ऐड कर लीजिए। अभी थोड़ा सा चेकिंग कर रहा है। देखिए हमारे क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल हो चुका है वीपीएन। अब आप देखिए, जिससे मैं अपना अभी आईपी चेक करता हूँ, आईपी एड्रेस चेक करता हूँ। व्हाट इज माय आईपी विदाउट वीपीएन मैं चेक कर रहा हूँ। देखिए मेरा आईपी पब्लिक आईपी जगह क्या दिखा रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मेरा आईपी दिखा रहा है जियो। जी हाँ, मैं अभी जियो का कनेक्शन यूज कर रहा हूँ, इसलिए जियो सही दिखा रहा है। सिटी रांची, रीजन झारखंड, कंट्री इंडिया। ये चीज़ें सब के सब बाकी सारी चीज़ें सही हैं, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है वो बिहार और झारखंड दोनों का सम्मिलित रूप से चलता है यहाँ पर, इसलिए झारखंड दिखा रहा है। और मैं आपको अपना यहाँ ब्राउज सेक वीपीएन को जब आप ऑन करना चाहते हैं अपने ब्राउजर में, गूगल क्रोम से एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपने जो ब्राउज सेक वीपीएन का एक्सटेंशन जो आपने ऐड किया था उसके आइकन पर क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद यहाँ प्रोटेक्ट मी पर क्लिक कीजिए और आपको कई सारे सर्वर मिलेंगे। यहाँ से आप जिस कंट्री को चूज करना चाहें वो चूज कर लें, जो फ्री है। देखिए ये सारे कंट्री फ्री हैं,
जिसमें आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जिनके नेटवर्क का स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छे हैं और सभी ये सभी प्रीमियम हैं, यानी उसमें आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो ये फ्री में यूज करना है, इसलिए हम यहाँ पर सिंगापुर को या यूनाइटेड स्टेट्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी मैं यूनाइटेड स्टेट से ब्राउज कर रहा हूँ। अब देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना आईपी एड्रेस सर्च करके। देखिए मेरा आईपी क्या दिखाता है, व्हाट इज माय आईपी। देखिए वही वाला वेबसाइट पे मैं जा रहा हूँ, सेम वेबसाइट को मैं यूज कर रहा हूँ। फिर मेरा पब्लिक आईपी क्या है वो यहाँ पर बता देगा। और नेटवर्क का स्ट्रेंथ काफी अच्छा नहीं था, जिस लोकेशन को हमने चूज किया था इसलिए खुलने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो वेट कीजिएगा। हाँ, देख सकते हैं अभी आप हमारा ISP क्या दिखा रहा है, डिजिटल ओशियन सिटी न्यूयॉर्क दिखा रहा है, रीजन न्यूयॉर्क, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। हमने आपको दिखाया था कि हम यूनाइटेड स्टेट्स का नेटवर्क यूज कर रहे हैं अभी। तो इस तरह आप VPN का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो वेबसाइट्स हमारे कंट्री में ब्लॉक्ड हैं या ब्लॉक किए जा चुके हैं, उन वेबसाइट्स को आप सिक्योरली एक्सेस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर या PC में विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। सो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा आज का ये ट्रिक आपको कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड गुड बाय। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।